नमस्कार, आप देख रहे हैं दासुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। शुरुआत कर देते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, उदयपुर में बीजेपी पर बरसे गोविंद सिंह डोटासरा। राज्यसभा चुनाव की घमासान के बीच अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी उदयपुर पहुंच गए हैं। उनके साथ ही मंत्री लाल सिंह कटारिया और राजेंद्र यादव, रीटा चौधरी और रामकेश मीणा भी उदयपुर पहुंचे हैं। कुछ और विधायक भी उदयपुर पहुंचे हैं। इसी के साथ ही लगभग 100 विधायक उदयपुर पहुंच चुके हैं। उदयपुर एयरपोर्ट पर डोटासरा ने मीडिया से खास बातचीत की है और इसी दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा है कि आप समझ सकते हो कि जब बीजेपी के पास बहुमत ही नहीं है तो 71 आदमियों में इन्होंने दूसरा कैंडिडेट क्यों उतारा। भाजपा के पास कोई बहुमत ही नहीं है, वो नाम निर्दलीय का नाम ले रहे हैं मगर वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। एक भी निर्दलीय उनके साथ नहीं है। बीटीपी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन हमें है। भाजपा और मोदी सरकार की हमेशा से प्रजातंत्र का गला घोटने और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने की आदत बनी हुई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, तीखो तावड़ो। नौतपा की विदाई के बाद सूर्यदेव के तेवर तीखे दिखे हैं। प्रदेश के 8 जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। प्रदेश में नौतपा की विदाई के बाद सूर्यदेव के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। प्रदेश के 8 जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। वहीं अगले सप्ताह से गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। राजधानी जयपुर समेत अन्य जगहों पर गर्मी का असर लगातार हावी है। नौतपा की विदाई के बाद प्रदेश के मौसम में खासा असर देखने को नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक मौसम प्रदेश में पूरी तरह से शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राजस्थान में अभी एक कम तीव्रता वाला पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके कारण अलग अलग शहरों में बादल छाए रहने की संभावना है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट के 72 साल के इतिहास में पहली बार पति पत्नी बने जज, साथ करेंगे काम। राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। डीजे शुभा मेहता के नियुक्ति वारंट जारी होने के साथ ही वो ये रिकॉर्ड बन गया। शुभा मेहता के पति जस्टिस महेंद्र गोयल पहले से ही हाईकोर्ट में जज हैं। अब डीजे शुभा मेहता की हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति हो गई है। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के 72 सालों के इतिहास में पहली दंपति होंगी जो एक साथ मामलों में सुनवाई करेंगे। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आज भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। कच्चे तेल में जोरदार तेजी के बावजूद तेल कंपनियों ने राहत देते हुए लगातार 14वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार ने बीते 21 मई को तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी कम की थी, जिसके बाद पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता हुआ था। केंद्र सरकार के बाद कई राज्यों ने भी वैट कम किया था। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108.48 रुपये और डीजल के दाम 93.72 रुपये प्रति लीटर बने हुए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पात्रता की शर्तों पर उठे सवाल, 80% बजट होटल दायरे से बाहर। राज्य सरकार ने प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के उद्योग का दर्जा तो दे दिया, लेकिन इसके तहत रियासतें लेने के लिए लगाई पात्रता की शर्तों से बजट होटल के संचालक परेशान हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती परीक्षा रद्द, 1760 पदों के लिए नए सिरे से होंगे एग्जाम। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को रद्द होने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। रीट कांस्टेबल RS के बाद अब LDC कलर्क भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश भर में इसी साल 1760 पदों के लिए 17 मार्च को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में हुई धांधली के बाद हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, देश विदेश से आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि कंपनी के विज्ञापन पर लोगों ने जताई आपत्ति, मिनिस्ट्री ने किया एक्शन। सोशल मीडिया पर भड़ गए थे लोग। हालांकि आपको बता दें कि बॉडी स्प्रे लेयर आर शॉर्ट कंपनी के आपत्तिजनक विज्ञापन को सूचना और प्रशासन मंत्रालय ने बैन कर दिया है। इसके साथ ही ट्विटर, यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म से विज्ञापन हटाने को कहा गया है। वहीं देश विदेश की अगली बड़ी खबर, मोदी ने 3 घंटे तक रुकाया था रूस यूक्रेन युद्ध, पूर्व केंद्रीय मंत्री का दावा, पुतिन ने मानी PM की बात, तब सुरक्षित निकले इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बाहर निकलवाने के लिए रूस और यूक्रेन युद्ध को पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 घंटे तक रुकाया था। उसी दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बातचीत की थी। पटना में ये दावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शुक्रवार को किया है। वो मोदी सरकार के 8 साल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। वहीं अगली हैरान करने वाली रिपोर्ट, सड़क हादसों में महिलाओं से 7 गुना ज्यादा पुरुषों की मौत। 2020 में गंभीर सड़क हादसों में 16,781 महिलाओं की मौत हुई, जबकि ऐसे हादसों में मारे गए पुरुषों की संख्या 1,14,933 है। यानी सड़क हादसों में महिलाओं से 7 गुना ज्यादा पुरुषों ने जान गंवाई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की बड़ी खबरें।